वेलकम टू वृंदावन, सभी का स्वागत है। वृंदावन में फाइनली पहुंच चुके हैं। वृंदावन तो अभी रात के टाइम बता देता हूँ मैं, अभी आपको टाइम देख लो भाई। टाइम अभी रात के 11:30 हो चुके हैं और अपने साथ छुट्टू और चेतन ब्रो और हर्ष वाल्मीकि। तो अभी चलेंगे, अभी तक किसी के भी बैग पैक नहीं हुए, पता नहीं क्या हो रहा है। नींद और आ रही ऊपर से मेरे को। कब निकलना मम्मी भाई? बस निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 1:20, अभी 1:20 हो रहा है टाइम, तो अभी भी नहीं निकले हम वृंदावन के लिए। मैं तो यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहा था और बाबू ने रो रो के पूरा हाल कर दिया। बस निकलने वाली है थोड़ी देर के अंदर और ये भी अपना फोन चला रहे हैं। फाइनली निकल रहे हैं सुत्तों के साथ। सुत्तों हम निकल रहे हैं सुत्तों आप वृंदावन के लिए। आप कैसे हो? आप 10 महीने में इतनी जगह घूम ली है। अरे भाई रोने लग गया। फाइनली निकल रहे हैं मम्मी। हाँ भाई चले राधे राधे कृष्णा, वृंदावन जा रहे हैं भाई। दीदी कैसे हो? दीदी तो सुंदर लग रही है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। 1:30 बज रहे हैं अभी और वृंदावन पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से निकलते हैं वृंदावन के लिए। जा बोले ना, चल रहा हो ये? चल रहा है भाई। बोल शंकर भगवान की जय लगी, मत भी बोली चंदन की थी, बोल शंकर भगवान की जय। ट्रीटमेंट हो रही है किसी को? नेक्स्ट लेवल है, ट्रीटमेंट पावर लग रहा है। अबे नहीं अच्छा आ रहा है कैमरा। जय बोली की स्थान, जय बोली की। अभी हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, आज हम वृंदावन जा रहे हैं। गोइंग वृंदावन एंड माय ब्रदर इज टू मच एक्साइटेड फॉर गोइंग। भाषा के बोल रहा है वृंदावन, इट इज अ वेरी फैबुलस जर्नी। अच्छा आई एम फर्स्ट टाइम गोइंग वृंदावन बिकॉज़ कौन सी दूसरी बार जा रहे हैं भाई? बिकॉज़ क्या आ गया तो कुछ बोल। बिकॉज़ ई वाज़ा सी ये ले लगा के तो मैं आपको सीन बता देता हूँ। यहाँ से सीधा अर्शु भाई के घर चलेंगे और अर्शु बदरपुर वहाँ से निकलेंगे सीधा वृंदावन के लिए। तो जल्दी चलते हैं गाड़ी में। अभी कहाँ जा रहे हैं वंशु भाई, अर्शु भाई? अभी भाई वहाँ पर जा रहे हैं गाड़ी के पास पार्किंग में। पार्किंग में कैसी हालत हुई आपकी? तो भाई ये अपना कुछ आप रोड पूरा सुनसान पड़ा और अर्शु भाई को डर लग रहा थोड़ा बहुत। भाई डर वर नहीं लग रहा, केले का भाई। भाई पूरा रोड सुनसान पड़ा यहाँ अपना शाह पूरा। झमझम की आवाज आ रही है भाई कहीं से, तो मेरे को भूत हो गई है यहाँ पर लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। इस वाले घर को दिखा, इस वाले घर पूरा सुनसान हो रखा है। फाइनली गाड़ी में आ गए, जल्दी से आम जोड़ दो यार। निकल गए घर से। तो गैस भरवाने के लिए रुके हुए, अब जल्दी से गैस भरवाते हैं और बदरपुर पहुंचने वाले हैं अर्शु भाई के घर पर। तो जल्दी से गैस भरवाते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं जल्दी से बदरपुर के लिए। अच्छा फाइनली
और सुबह घर बदरपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे वृंदावन के लिए। निकल रहे हैं बदरपुर से वृंदावन के लिए। आम पापा थोड़े रास्ते पहुंच चुके हैं और चेतन भाई हमारे अकेले खड़े हैं। ये दूसरा सीएनजी पंप है जिसमें हम गैस वगैरह डलवा रहे हैं और अपनी गाड़ी अभी निकल लेते हैं, फिर बैठ के निकल लेते हैं, फिर बैठ के निकल लेते हैं वृंदावन के लिए। अब पता नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। और ऐसी कुछ जगह है वो तो शुक्र हमें पेट्रोल सीएनजी पंप थोड़ा खाली मिल गया। ट्रैक्टर है तो सुतो खड़े हो गए आप सुतो दलाल सुतो तो फाइनली गाइस इतनी देर बाद रुके किसी ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए। तो अपनी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है और मैं इधर बैठा हूँ। अभी शायद ही मैं चाय वाय पीऊँगा अगर मन करेगा तो, वरना सोता हुआ आया हूँ मैं तो पूरे रास्ते सो रहा था। देख ले बेटा चुला चुड़ैल खड़ी रहती है वही पीछे की साइड इसका वॉशरूम है। मैं डरते हो तुम जाओ बाड़ा को ला मत। ये है क्या परसों भाई भी आ चुके अपने खोली नींद बचाना क्या हो गया। फाइनली अपनी स्प्राइट आ गई। चलते हैं जल्दी से, अब निकलते हैं जल्दी से घर के लिए वो वृंदावन के लिए। वेलकम टू वृंदावन, सभी का स्वागत है वृंदावन में। फाइनली पहुंच चुके हैं। अभी 200 मीटर बाद बाके ब्याजी जी का मंदिर है तो अभी वहां पे भी चलेंगे। चेतन भाई कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा। तो वहाँ पर है मंदिर ऐसे मंदिर में शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। हाँ मंदिर गेट नहीं खुला अभी तक।
आईना नहीं, दर्शन हो चुके हैं बहुत कठिनों के बाद। अब पता नहीं कौन सा मंदिर चलेंगे, बट चलेंगे। इतनी भीड़ हो रही थी ना भाई, गाड़ी में रख देना लेके सुबह लिए से। इतनी भीड़ हो रही थी ना, क्या सा लगा दर्शन करके? देखे थे बहुत मजे आ गए भाई। हमारा बाबू तो भीड़ में फंस गया था यार, वो बोल रहा कि हम कहाँ आ गए। मैं बाबू बहुत रो रहा था, भीड़ बहुत थी भाई। खत्म हो गए भाई, हम भी थक चुके हैं पूरे। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। आज तुम्हारा भाई पूरा बाबा पड़ा हुआ है। खुशबू आ रही है बहुत अच्छी वाली। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो लेट मत कर। चल रहे हैं निधिवन मंदिर, निधिवन मंदिर चल रहे हैं। बैटरी रिक्शा से निकल रहे हैं निधिवन के लिए, क्योंकि गाड़ी वहां नहीं जा सकती और पीछे सारे बैठे हैं। निधिवन पहुंच गए। हाँ भाई टाइट से पकड़ रखा। पहुंच गए निधिवन। बंदरों की वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा मैं। बंदर भाई परेशान कर रखा है इन्होंने। फोन छीन लिया भाई का। फोन छीन हमारा तो नहीं छीना, कुछ नसीब है। इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा ज्यादा। बंदर बहुत है भाई इधर। भाई की टोपी छीन ली, चश्मा छीन लिया भाई। भाई अपने साथ सीन हो गया। ये निधिवन मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर है ये कोई। तो निधिवन का ब्लॉग अलग आएगा। तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं ना ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड जय भोलेनाथ। अगला ब्लॉग निधिवन का आएगा।